भगवान को हम इसलिए खोज रहे थे कि वो हमें सर्व सुख देता है, तो वो सर्व सुखदाई परमात्मा मिला ही नहीं था, अब मिला सर्व सुखदाई, अब ये सुख ही सुख देगा, यहाँ दुख हो ही नहीं सकता। जैसे बर्फ है, एसी रूम है, वो ठीक चल रहा है तो उसमें गर्मी का काम क्या। तो ऐसे परमात्मा का ये कनेक्शन मिलने के बाद आपके परिवार में न सोच ले गर्मी के दिनों में एसी ला गया और वो सर्दियों में भी काम करेगा, यानी ऑटोमेटिक है परमात्मा का सिस्टम, आपके हर तरह से सुख देगा। तो प्रसंग चल रहा है कि हम उस स्थान को भूल गए जहां जाकर हम सदा सुखी रहेंगे, और हम सभी पहले वही रहते थे। अब कई भक्त अज्ञानतावश भोले भाले जिनको ज्ञान नहीं, वो ये प्रश्न किया करते कि एक बात बता, जब सारे ही यहां से चले गए तो यहां कौन रहेगा बता। वो नैया ही चिंता हो रही है कि यहां कौन रहेगा बता। अरे यहां यू तो एक पत्थर है, घूमता रहेगा, हमने के ठेका ले रखा है पृथ्वी का, ये मंगल ग्रह जो चांद और ये सारे धक्के खाने लग रही है, फिर जाएगा, हम अपने सतलोक में चलेंगे, इसकी इसकी हमने क्या क्या करना, ये तो जिसका हुआ आप संभालेगा इसने। तो कहने का भाव ये है कि हम इतने रंग गए यहाँ पर। जैसे एक भक्त बोला बाला, उसके घर उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, बहुत समस्या में थी, हर तरह से तकलीफ थी, परमात्मा की दया हुई, दीक्षा ली, भगवान की कृपा से वो स्वस्थ हुई। उसको समझाने लगे, भाई नाम ले ले भक्त, नहीं तो भक्ति ना करने से पशु बनोगे, झोटा बनेगा। वो झोटा बुग्गी ले रहा था, उससे कहा भाई फिर झोटा बनेगा तू तो न्यू बोला, महाराज जी झोटा भी दबड़ना चाहिए, फिर बुग्गी में कौन चलेगा। इसने बुग्गी की चिंता हो रही। मैं कहा अच्छा भाई, तो बुग्गी खातिर कर ले काम। फिर उसे उपदेश ले लिया उसने, लेकिन हमारी धारणा ऐसी बनी हुई है कि यहाँ ऐसे कैसे होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा के इस मार्ग को बहुत गहराई से समझो। जिस उद्देश्य से परमात्मा स्वयं आते हैं उस अच्छे लोक से इस गंदे लोक में आपके लिए, तो ये कितना इम्पोर्टेंट काम होगा। एक ऐसे वैसे तो भगवान इतनी दूर से आए नहीं, आपको ये ज्ञान देने के लिए कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, सतलोक में एक बहुत सुख है, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो ये तुम्हें हजार लाख करोड़ वर्ष खोजते रहो तो नहीं मिले, एक जन्म की तो बात छोड़ो। और यहाँ क्या हालत है तुम्हारी, उससे हमें परिचित कराते हैं। उधर से काल के दूत भी अपनी खूब काल प्रेरणा से अज्ञान का प्रचार स्प्रे कर रहे हैं जगह जगह। अपने आत्माओं, परमात्मा ने आके हमें इसलिए ये ज्ञान दिया क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, और ये जो काल हमारा दुरुपयोग कर रहा है हम इसके बच्चे नहीं हैं। अपने बच्चों को कोई ऐसा दुखी कर सकता है, किसी की टांग कट गई, किसी की आंख फूट गई, और किसी का हाथ कट गया, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई पशु पक्षी बनकर गधे कुत्ते बनकर बिस्टा खा रहे हैं, टट्टी खा रहे हैं, तो ये कोई अपने बच्चों को ऐसे दुखी कर सकता है। तो इस भगवान को हम अपना मालिक मान सकते हैं। यहाँ का जो स्वामी है ये काल है, इसका उद्देश्य हमें पीड़ित करना और विचलित रखना है, भ्रमित रखना, ताकि इनको भगवान का ज्ञान ना हो जा और कहीं ये भाग ना जा। तो उससे पहले ये अपने संत भेज के, हमारे वो भी बच्चे परमात्मा के वो संत हैं, या जैसे भी उस काल का फंस गए, वो उस अज्ञान के मास्टर बन गए, उस अज्ञान को जगह जगह प्रचार करने लग गए, भोली आत्माओं ने उनको संत महात्मा मानकर उनके एक एक वचन को शिरोधार्य कर लिया। अब ये सच्चा ज्ञान जब आता है तो वो पुराना पेंट उतरता नहीं जल्दी सी। तो दास के ऊपर दया करी परमात्मा ने कि पहले इन सभी सदग्रंथों का ज्ञान करवाया और फिर इन संतों के वचनों को देखा कि ये क्या बताते हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं।
फिर पता चला कि ये तो भाई गलत कर रहे हैं सारा काम, ये तो आसपास भी नहीं सदग्रंथों के, एक दो तीन चार दस सैकड़ों की संख्या में इन संतों को के इतिहास को इनके ज्ञान को दास ने पढ़ कर देखा, शायद ये तो अच्छा महात्मा दिखाई देता है, इसका शायद ठीक मिल जावे। फिर जो चले गए यहाँ से महापुरुष जिनका बड़ा बोलबाला था, मैं रसिदानंद जैसे नकली, इनसे बड़ा प्रभावित था दास, और दास ने इसके सत्यार्थ प्रकाश को इस उद्देश्य से इस तत्व ज्ञान की प्राप्ति के बाद पढ़ा। पहले भी पढ़ते थे, पहले समझ में नहीं आता था कुछ भी कि महापुरुषों की वाणी हम नहीं समझ सकते, इस ये सोच कर रख देते थे इसको, ऐसे इन पुराणों को रख देते थे भाई ये तो भगवान की माया है, हम कैसे समझ सके। और जब दास की परमात्मा ने वो आंखियां बना दी तत्व ज्ञान वाली, उस दृष्टि से जब इनको देखा उस उन चश्मों से, तत्व ज्ञान वाले चश्मों से, फिर देखा अरे नाश कर रखा सारा, कख भी नहीं इनके पास, ना वेदों वाला ज्ञान, ना कोई संसारिक व्यवहारिक बातें ठीक इन लोगों की, तो बड़ा चिंता का विषय बना। और इस सत्यार्थ प्रकाश को दास ने इसलिए पढ़ा था कि ये महापुरुष का लिखा हुआ है और इस महापुरुष के विचारों को सभी मानते हैं, और हो परमात्मा दया कर दे और कबीर परमेश्वर के वचनों का समर्थन मिल जाए तो मुझे ये ज्ञान आगे बढ़ाने में घड़ी सुविधा हो जाएगी कि देखो सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दानंद ने भी ऐसा ही बोला है। अब देखा तो मैं ऋषि दानंद ऐसा नकली पाया को देखा को नहीं मैंने, तो तेरा गजब भैया, एक भी व्याख्या वेदों और किसी से भी नहीं मिल रही सदग्रंथों से, तो बड़ा दुख हुआ। तो इसलिए फिर जनता के सामने रखने शुरू किए कि भी ये ओरिजिनल नोट है, हमारे सदग्रंथ ओरिजिनल नोट है और ये डुप्लीकेट नोट है इन संतों के जिनको तुम ओरिजिनल मान करके ग्रहण किए हुए हो। अब प्रारंभ में तो दास को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा क्योंकि श्रद्धालु लोग ये कहते हैं कि किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए, अपना ज्ञान बताओ। अरे अपना अपना सारे बताओगे तो सबका अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग, फिर वो ज्ञान के रह गया तो जो जैसा कहेगा वो तो ऐसा चल ही रहा था। फिर पुण्यात्माओं, जैसे एक बार किसी ने 500-500 के नोट नकली छाप लिए और वो मार्केट में पहुंच गए, उनका पता लगा सरकार ने, तो फिर जनता को ठगने से बचाने के लिए एक समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों दिखाए, उनकी भिन्नता बताई, ओरिजिनल ऐसा होता है डुप्लीकेट ऐसा होता है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी, एक महापरोपकार कर दिया ना, लाखों लोग ठगे जाते, गरीब व्यक्ति मारे जाते जिनके 5-7 हजार रुपये होते हुए ठग नकली कागजों में लग जाते। तो पुण्यात्माओं, दास का यही प्रयत्न समझ लेना, ये पूरा विश्व याद किया करेगा इस दास को। ठीक है, दास को बहुत कठिनाइयां आई हैं, इस सच्चाई को ऊपर लाने के लिए, इस ज्ञान को उठाने के लिए सहयोग तरह कबीर भगवान का, लेकिन दास उसका बैल है और उसी के सहारे से इसको गाड़ी को खींच कर पटड़ी पर चढ़ाया है। पहले तो खच्चे में कीचड़ में डाल रखी थी और इसमें बहुत से संकट दास के ऊपर आए हैं। साथ में हमारे बच्चे जो परिचित हो गए थे, उन्होंने बड़ा सहयोग दिया अपने बहन भाइयों को समझाने का, वहाँ तक ये संदेश भगवान का पहुँचाने में बहुत सहयोग दिया है। और आपका भी फर्ज बनता है, ये सच्चाई है और सच्चा ज्ञान है, इससे पूरे विश्व में शांति होगी, प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य बनता है। पहले आप अच्छी तरह समझे दास के विचारों को और शरद ग्रंथों को और उन महापुरुषों के विचार जो दास आपके रूबरू कराता है कि उन महापुरुषों ने भी ऐसी साधना की, उनसे उनका मोक्ष हुआ, तो उनको अच्छी तरह समझ कर फिर आप लगो और साथ में औरों को भी ट्राई करो प्यार से। ये मार्ग कोई बलपूर्वक कराने का नहीं होता, ये ज्ञान से होगा। और काल भगवान ने एक प्रार्थना की थी परमात्मा के समक्ष, कबीर जी के समक्ष, कि हे परमात्मा आप
चौथे युग में जितना चाहो जीव ले जाना, लेकिन एक दया करना परमात्मा के, जोर जबरदस्ती ना करना। सतकल युग में जब आप ले जाओ, अपना ज्ञान देना, आपका ज्ञान ग्रहण करें वो आपके हो जाए, और मेरे ज्ञान को माने वो मेरे पास रह जाए, मेरा आहार बने रहे, जबरदस्ती ना करना। और अपना ज्ञान समझा कर कितने ले जाना, अपनात्मा परमात्मा ने कहा था ठीक है भाई, ज्ञान बगैर तो मैं ले ही नहीं जा सकता, पहले अगर वैसे भी ले जाऊं तो वहां टेके नहीं है, फिर आऊंगे वापस, पहले वही ना रहा करते, तो मालिक को मालूम ही था कि ज्ञान से दर्द करूंगा इनको, और यहाँ के दुखों से ये छक चुके होंगे, यहाँ की इन कोठी बंगलों से भी ये छक चुके होंगे। आप देख रहे हो विदेशों में बड़ी सुविधा के सारे साधन वैज्ञानिक बना लिए, और वो क्या कहते हैं, नहर के किनारे लौट के शांति प्राप्त करते हैं, उन कोठिया ने उन सारे इंस्ट्रूमेंट ने छोड़ गए, तो ये पहले ना हमारे अंदर ही रहेंगे, क्यों शर्म दर्द कराया वो बीमारी कट्ठी करी। तो ऐसी ही शांति होनी वही है, ये तो एक तूफान उफान है इस काल का डाला हुआ, ये बना ले, ये बना ले, रिमोट बना ले, इससे सुख हो जाएगा, टट्टू सुख होगा, सुख तक परमात्मा की भक्ति से होगा, आने वाले कष्टों से बचाव होगा, उससे सुख होगा,